नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो रुक करते हैं खबरों का। आगरा में चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं है, वो खुलेआम ऐसे ही चोरियां करते रहते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दो युवक आते जाते दिख रहे हैं। चोरों की नजर सीसीटीवी कैमरे में पड़ी गई तो सीसीटीवी कैमरे को ही तोड़ डाला। दुकानदार सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो सीसीटीवी कैमरे टूटे पड़े दिखे, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार करने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। सर, मेरा नाम दीपक गुप्ता है। क्या घटना हुई है? शाह मार्केट में मेरी जय माँ दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की। उस दुकान के बाहर से 22 तारीख की रात को करीब 10:15 बजे मेरे द्वारा जो लगवाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे, उन्हें कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उखाड़ दिया गया, चोरी की प्रयास किया गया। क्या इसके फुटेज आपके पास है? मेरे पास उनके मतलब सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। क्या आपने उनके चेहरे आ रहे हैं, जो अज्ञात चोर हैं उनके चेहरे आ रहे हैं? मैंने इसके खिलाफ जो है 100 नंबर पर डायल करके सूचना दी तत्काल, और प्लस जो है पुलिस ने तहरीर भी दी है हरिपर्वत थाना में, मगर पुलिस द्वारा अभी तक ना ही तो कोई छानबीन की गई है, ना कोई संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई की गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदूवादी संगठन और साधु संत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के कुछ दलों द्वारा राम मंदिर निर्माण को अभी न करने की भी चर्चाएं सामने आ रही है। तो वहीं आज ताजनगरी आगरा में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग द्वारा शस्त्र और शास्त्र का पूजन किया है और राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण की बात की जा रही है, तो आज हमने शस्त्र और शास्त्र का पूजन करने के बाद राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। शस्त्र की इसलिए आवश्यकता है, जैसे रामचंद्र ने विनती करते करते जब समुद्र जो जाना था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, और उस टाइम जैसे समुद्र की बहुत ज्यादा विनती की, ऐसे ही हिंदू समाज ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बहुत ज्यादा विनती करते करते, और कई गवर्नमेंट आई कई गवर्नमेंट गई, करते करते परेशान हो गया है। अब विश्व हिंदू परिषद, पूरे भारत का हिंदू समाज ये दृढ़ संकल्प कर चुका है, अपने शस्त्र और शास्त्र की कसम खाता है, और जैसे भगवान ने प्रतीक्षा करने पर जब समुद्र ने रास्ता नहीं दी थी तो हमने भगवान ने अपना अगेन बाढ़ जैसे उठाया था, ऐसे ही हिंदू के जितने भी अनुयायी हैं, जितने लोग हैं, उन्हें इस बात की आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं आज से कि हम शस्त्र भी उठाएंगे और सब मंदिर भी वहीं बनाएंगे, और जो हमारे बीच में आएगा वो हम उसको बख्शेंगे नहीं। जी, आज हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। आज विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग और क्षेत्र में रहने वाले सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने राजा राम की बगिया पर शास्त्र और शस्त्र पूजन करके राम मंदिर भव्य बनाने का संकल्प लिया है। यहाँ से 9 तारीख को दिल्ली सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कूच करेंगे और राम मंदिर को भव्य बनाने का कार्य करेंगे। शस्त्र इसके लिए पूजे गए हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, आतंकवादी लगातार हमारी गतिविधियों को कह रहे हैं कि मंदिर आपने बनाया तो हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। उनको याद नहीं है कि हमारे भगवान राम शस्त्रों का पूजक हैं और माता बहनों के पूजक हैं, ऋषि मुनियों के पूजक हैं, लेकिन अगर हुताताई अगर उदम मचाते हैं, रावण जैसे विधर्मी अगर उदम मचाते हैं, तो रामचंद्र जी को शस्त्र निकालने में भी बिल्कुल गुरेज नहीं होता। ऐसे ही इसी माध्यम से हमने शस्त्र पूज कर बता दिया है, आतंकवादी कितना भी कोशिश कर लें, मंदिर के रास्ते में जो भी आएगा उसे शस्त्र की सजा शस्त्र से जवाब दिया जाएगा। आज हम लोगों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों पूजे। कुछ दिन पहले एक ऊंचे पजामे वाले एक जिहादी ने बोला था कि अगर राम मंदिर बना तो हम दिल्ली तक से लेकर पूरे भारत में तबाही मचा जाएंगे। मैं उस ऊंचे पजामे वाले और जिहादी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से हम लोग आज हम लोगों ने शस्त्र और शास्त्र दोनों पूजे, आने वाले टाइम में जरूरत पड़ी तो हम शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर अयोध्या जाएंगे। शस्त्र वालों को शस्त्र से हम लोग जवाब देंगे और शास्त्र वालों को शास्त्र से जवाब देंगे।
तो बिजनौर जिला जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। गुस्साए मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल में कोई अनहोनी ना हो इसके मद्देनजर रखते हुए अस्पताल में भारी फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने बिना किसी को बताए इमामुद्दीन को अस्पताल में भर्ती करा दिया। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। नवाजुद्दीन साहब थे, ये बिजनौर कॉलेज बिजनौर में क्लेरिकल कैडर में एम्प्लॉय थे। इनके विरुद्ध एक एफआईआर हुई, इनके विरुद्ध एक एफआईआर थी जो एक बार वो हो गई थी, कोर्ट कैंसिल हुई थी, पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। विपक्षी व्यक्ति ने कोर्ट में तलब करके ये NBW में से अरेस्ट होकर चले गए थे जेल में से लगभग 3 महीने से। उसके बाद इनका आज सुबह 10 बजे के आसपास एक और कोई व्यक्ति अपने पेशेंट को एडमिट करने आए, उनके जरिए पता चला कि जेल प्रशासन ने यहाँ लाया था और इनकी डेथ हो चुकी थी। सबसे पहले चीज़ ये है कि जेल प्रशासन ने इतनी लापरवाही क्यों की? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ तो जेल प्रशासन की सारी जिम्मेदारी थी। जेल प्रशासन ने यहाँ लाए और लाने के बाद उन्हें इनके घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं दिया? जब हाईली डायबिटिक और हार्ट पेशेंट थे तो उन्हें बजाय इमरजेंसी में रखने के लिए उन्हें लाके जनरल वार्ड में डाल दिया। उसके बाद आज तक भी इस हमारे हॉस्पिटल में कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है। तब उन्हें जेल प्रशासन ने हायर सेंटर को क्यों रेफर नहीं किया? इसमें सारी जितनी भी लापरवाही या षड्यंत्र है वो जेल प्रशासन और यहाँ के जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभाई नहीं। देखिए, जो मृतक हैं उनका नाम इमामुद्दीन है, ये मृतकान मोहल्ले कोतवाली शहर के रहने वाले हैं। आज शायद इनकी जिला कारागार में तबीयत खराब हुई, जिन्हें यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। दौरान उपचार इनकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु उसका पंचायतम और पीएम कराया जाएगा, मृत्यु का कारण पता चलाएगा। परिजनों का आरोप ये है कि उनको मेरठ रेफर किया गया था और उसको यहाँ लाकर डाल दिया, कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से नहीं हुई मौत? मेरठ रेफर किसने किया था? उनको जेल प्रशासन से जेल जांच। कोई भी जब नए कस्टडी में डेथ होती है उसमें मजिस्ट्रेट की जांच होती है, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, अगर कुछ ऐसा होगा तो उसमें आ जाएंगी। तो मामला गाजियाबाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में दिल्ली गेट इलाके का है, जहां पर 2 मंजिला मकान जर्जर हो चुका था, जिसका बड़ा हिस्सा सुबह के समय भरभराकर गिर गया। अच्छी बात यह थी कि घर में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन 2 बच्चे घर के बरामदे में मौजूद थे जिनके ऊपर सारा मलबा गया। बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। अपना भी गिर गया सुबह सुबह, बच्ची अंदर सो रही, सुबह तक पढ़ रही थी वो 4 बजे तक। हाँ भैया, ऊपर वाले कृपा से ले बच्ची को डॉक्टर के ले गए भैया। हाँ, शंकर दयाल में होगा, 150-150 साल पुराना। तो राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बच्चों के बीच एक स्कूल में पहुंचे, जहां पर बच्चों ने साइंस से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई थी। इस दौरान उन्होंने उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल प्राइवेट स्कूल देश की शिक्षा में अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन यह कहते हुए उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि जो काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं वह सरकार को करना चाहिए था। मतलब साफ है कि राज्यसभा सांसद खुद मानते हैं कि सरकार शिक्षा स्वास्थ्य के व्यवस्था के नाम पर प्राइवेट स्कूलों से काफी पिछड़ी हुई है। ये बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों का बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ रहे, और जो जितने भी मॉडल्स थे वो पब्लिक यूज़ के मॉडल थे, ये एक अच्छी बात है। और ये एक बहुत ही अच्छा संगम रहा है साइंस के मॉडल्स का और ऐतिहासिक मॉडल्स का। मैं रोजबेल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स और बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत और व्यापक रूप लेगी। सभी को बहुत बहुत हार्दिक।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की मांग को लेकर हिंदू संगठन अब एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली में 9 दिसंबर को एक बड़ी हिंदू संगठन की रैली का आयोजन किया जाना है, जिसके चलते दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रविवार सुबह 9 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली जन जागरण रैली के चलने के लिए विशाल बाइक रैली द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य कई हिंदू संगठन के लोग शामिल रहे। तो आज बाइक रैली निकल रही है ये दिल्ली में 9 दिसंबर को, और एक राम भक्तों की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाने वाला है, और दिल्ली के आसपास के जो प्रांत हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रांत के बड़ी संख्या में राम भक्त वहां पहुंचने वाले हैं। उसके जन जागरण करने की दृष्टि से कि गाजियाबाद से भी लगभग 200-250 बसें यहां से तय हुई हैं, तो बड़ी संख्या में यहां से लोग वहां जाएं, इस दृष्टि से बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए ये रैली है। सरकार राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करे, जो भी हमारे कानूनी अड़चने आ रही हैं, जो भी हमारी समस्याएं आ रही हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। हम बहुत धैर्य हो चुका और इसी विषय में जन जागरण हम लोग कर रहे हैं कि 9 तारीख को हम लोग धर्म सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के जिसकी आयोजक है, हम सभी दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या जुटाने के लिए इस रैली का आयोजन हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखंड संगठन इस समय बड़ी टूट फूट से गुजर रहा है। 2 दिन पूर्व ही पार्टी के लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रत्याशी रहे सुभाष चौधरी समेत 4 लोगों को निष्कासित किया गया। उसके बाद हरिद्वार के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। राजेश कुमार ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बलियान पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दिया है। मीडिया से वार्ता करते हुए राजेश कुमार ने कहा कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बलियान पार्टी में अपनी मनमानी करते हैं और पार्टी के दूसरे नेताओं का सम्मान नहीं करते। मेरे साथ क्या पूरे जनपद हरिद्वार में एक ऐसा माहौल बहुजन समाज पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पैदा किया है कि सब लोग नाराज हैं, बहुजन समाज पार्टी से विश्वास उठा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बालियान जी हमारे किसी भी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते और ख़ासकर मंच के माध्यम से ही अपमानित किया जाता है, और नगर निकाय के चुनाव जो हुए उसमें अपनी मनमानी से टिकट दिए गए हैं, संगठन से पूछा नहीं है, जिला कमेटी और विधानसभा कमेटी का कहीं भी इन्होंने सम्मान लायक कोई स्थिति नहीं रखी है, जिससे इस जनपद हरिद्वार के लोग इनसे त्रस्त हैं और ये इनकी कार्यशैली बहुजन समाज पार्टी के हित में नहीं है। मैं इसीलिए अपने साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से आज इस्तीफा दे रहा हूं। हरिद्वार में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता राज बब्बर को गुमशुदा बताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने राज बब्बर के पोस्टर दीवारों पर लगाए हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर आश्रम घाट पर इकट्ठा होकर राज्यसभा सांसद राज बब्बर के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नेता को उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा है जो उत्तराखंड में कहीं भी नजर नहीं आते, ना ही उनकी सांसद निधि से क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य करवाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिले के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने काफी 2-3 दिन से मुहिम चलाई हमने, और इस मुहिम को हमने गली मोहल्ले और कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधियों तक के माध्यम से हमने ढूंढने का प्रयास करा, जो यहाँ के राज्यसभा सांसद राज बब्बर जी जो कांग्रेस की तरफ से और यहाँ नियुक्त किए गए थे, तो उनका ढूंढने का प्रयास 3-4 दिन से रेगुलर भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा यहाँ पर करने जा रहा था, लेकिन जब उनकी ढूंढ से कहीं उनके कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पता नहीं चल पा रहा था कि इस समय राज बब्बर है कहाँ, कि किस जगह पर वो जाकर ये राजनीति कर रहे हैं, किस जगह पर जाकर वो कहाँ पर हैं, कुछ पहलू का हमें पता नहीं चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं ने एक मीटिंग बुलाकर ये निर्णय लिया गया कि इनकी गुमशुदगी की तलाश के लिए हम जगह जगह इनका पोस्टर लगाए जाएंगे, जिनके इस माध्यम से यहाँ के जितनी भी जनता है उनको पता लगे कि कांग्रेस किस तरीके से एक राज्यसभा सांसद को चुनकर भेज देती है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने इस उत्तराखंड के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के रूप में भेजा है, थोपा थोप दिया गया है। जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद से आज तक इस उत्तराखंड पर कहीं देखने को नहीं मिला, और विशेष तौर पर इस धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर एक भी उनकी निधि द्वारा एक भी रुपया उनके निधि द्वारा खर्च नहीं किया गया, ना आज तक इस धर्मनगरी के लोगों ने ऐसे राज्यसभा के सदस्य को कहीं देखा है,
तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग ऐसे नेताओं को जनता के जबरन थोप रहे हैं और उसके बाद जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता उनके पक्ष में मत करें। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बहुत ही ग्लानीय है। हम लोग ये तलाश कर रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति है जिसे कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा। यहाँ बहुत से काम अभी होने हैं, उन राज्यसभा के माध्यम से निधि खर्च होनी है। वो निधि किसके माध्यम से खर्च हो, वो कौन व्यक्ति है जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा भेजा। तो साथ ही देश का किसान एक तो वैसे ही वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा है, ऊपर से खेतों में डाली जाने वाली दवाइयों भी उनको मार रही हैं। मुश्किल हल करने के बावजूद मुश्किल बढ़ाने का काम वह कर रही हैं। मामला सोहलपुर गाड़ा गांव के किसान का है, जहां उसने अपने फसल गन्ने की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया था, पर उसी दवाई ने उसकी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की फसल को जला डाला। किसान अपनी फसल के बढ़ने का इंतजार करता रहा, पर 6 महीने गुजर जाने के बाद भी उसकी फसल ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। मनोज के हाँ सर, रामपुर चुंगी। अच्छा, उसने ये दवाई जो पहले तो स्प्रे करने वैसे देता था स्प्रे की, अब का जो उसने दी है ये उसमें रेत में मिलाकर डालने के लिए दी थी, और ये मैंने डलवाई, एक बार डाली कुछ नहीं हुआ। दोबारा उनके जो उन कंपनी के आदमी आया और एक उनका अपना आदमी आया, देख के डेमो दे के गया, कहने लगा भाई साहब डाल लो, दोबारा डाल ली तो एक ही खत्म हो गया। कितना नुकसान हुआ आपको? तकरीबन ऐसा आज कोई 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान। अच्छा, आपने उससे कोई बात की? बात की, नोटिस दिया, कोई मना कर दिया, कहने लगा जो थे वो कर ले। आप किसान जो मैं समझता हूँ अपनी जमीन बेचने की डगार पर हो, इस तरह से तो किसान खत्म हो जाएगा। ना सरकार ध्यान दे रही, ना ये लोग ध्यान दे रहे, दवाई दे रहे वाह खत्म हुई हुई दे रहे खत्म, तो किसान तो खत्म हो गया। शुगर मिल नहीं मारी चल रही हो, हम तो बहुत परेशान हो। गन्ना हमारा 150 रुपए बिक रहा हो, 40 रुपए चुलाई वाले ले लो, 10 रुपए किराया वाला ले लो, तो हमें तो 100 रुपए ही पड़ रहा, हम तो खत्म हो गए, क्या रहेगा। तो जल्दी शिक्षा नगरी की सड़कों और फुटपाथों पर कोई भी बेघर सोता नहीं मिलेगा, क्योंकि रुड़की नगर निगम सड़क और फुटपाथ पर सोने वाले ऐसे बेघर लोगों को उनका अपना घर बनाकर देने की तैयारियां कर रहा है। अभी तक करीब 60 ऐसे लोग को चिन्हित किया जा चुका है जो काफी समय से नियमित रूप से रुड़की की सड़कों पर सोने को मजबूर है। इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार रुड़की में जो बेघर लोग हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनको जियो टैगिंग की जा रही है, जिससे उनका पूरा डाटा हमारे पास रहे और पता चले कि वो क्षेत्र में हैं कि नहीं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो रैन बसेरे का निर्माण किया जाएगा इनके लिए, और दूसरा इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा, उसी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये देखिएगा, इसका मकसद ये है कि अक्सर हमारे यहाँ शहर में रात के समय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं, तो निगम ने इधर की ओर ध्यान देते हुए कि भाई कौन लोग हैं जो रात को सड़कों पर सोते हैं, तो हमने पाया बहुत सारे तो मजदूर हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, किसी भी दशा में घर वालों ने निकाल दिए हैं, किसी के उनके बच्चों ने बाहर कर दिया है, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले हमें यहाँ शहर के अंदर जो रात को सड़कों पर ही सोते हैं, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो हमारे नगर निगम की ओर से ये योजना चलाई गई कि इनको होमलेस पर्सन के ऊपर से योजना आ रखी, उसके तहत जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्हें इसका लाभ मिले। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आस्टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि युवा मोर्चा के मंडल नगर अध्यक्षों की नियुक्ति में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। खुटार में एक पद सपा कार्यकर्ता को दे दिया गया। भाजीमो के जिलाध्यक्ष अभिषेक यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा के हस्ताक्षर से जिले भर में युवा मोर्चा के ग्रामीण मंडल और नगर अध्यक्षों का मनोनयन कर सूची जारी की गई थी। सूची जारी होने के बाद से ही खुटार सहित सभी मंडलों में इसका विरोध शुरू हो गया था। क्या क्या कहेंगे आप? सचिन, हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी वाले गद्दार आदमी है। अरे वाह। और ये बीजेपी वाले किसी को, बीजेपी वाले जो भी है राष्ट्र बना देते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। और मैंने खूब विधायक जी के साथ भी मेहनत करवाई और सब लोगों को भी पता है, मैंने खर्चा भी लगाया है, आज दुनिया हमें पूछ नहीं रही, और जो कि विधायक जी हैं मैं नादमी वो भी नहीं पूछ रहे बीजेपी में, तो इससे ज्यादा इससे क्या होगा। तो औचक निरीक्षण अभियान के तहत उप जिलाधिकारी इटवा त्रिभुवन कुमार ने सिसवा बुजुर्ग स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंच गए, जहां स्थित
अत्यंत खराब मिलने पर वे अनुपस्थित कर्मियों के वेतन काटने व निर्माणाधीन कक्ष में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते निर्माण कार्य लंबित करने पर के साथ ही मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। तो नगर पालिका परिषद सितारगंज के सभागार में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने शपथ ग्रहण कराई। साथ में ही 13 सभा सांसदों को भी शपथ ग्रहण कराई गई। नगर पालिका परिसर में बड़े उत्साह के साथ नगरवासियों के साथ ही दर्जनों कार्यकर्ता और वरिष्ठ समाज सेवियों सहित सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उप जिलाधिकारी और निर्मल बिष्ट ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया। जैसे कि यहाँ पर हमारे 13 सदस्य हैं हमारे नगर पालिका के और एक अध्यक्ष है, तो उन सभी को शपथ ग्रहण करवाई गई और शपथ ग्रहण के तारीखों के बाद उनकी बैठक होगी, जिसके बाद उनका जो भी आगे कार्यकाल होगा वो आज के दिन से ही माना जाएगा। बढ़िया लग रहा है, ये तो स्वाभाविक है कि बढ़िया लग रहा है। इसलिए बढ़िया लग रहा है कि आज सारी जनता, सितारगंज की सारी जनता, सारे मतभेदों को भूलकर आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आई थी। ये शपथ ग्रहण समारोह एक तरीके से स्वागत समारोह था, जनता के स्वागत के लिए लोग आए थे यहाँ। जनता, ये आपको पहले भी मैंने कहा है कि जनता इस बार सितारगंज में जनता जीत गई है और सारी जनता एकत्र होकर एक मंच पर आई है और हम लोग जो है कि सारे लोग मिलकर आज प्रस्ताव में जो पहली बोर्ड की प्रस्ताव हो रहा है उसमें जो है कि कई ऐसे प्रस्ताव पास करेंगे हम पहली बोर्ड में ही, जिसमें सफाई को लेकर ज्यादा है, पॉलिथीन को लेकर जो है कि हम लोगों ने सजगता दिखाई है इसमें। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभालते हुए एक साल पूरा हो चुका है। सीएम बनने के बाद उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कई बयान दिए थे, जिसमें एंटी रोमियो को प्रमुखता से पेश किया गया। सोनभद्र में छात्राओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर कोतवाली में तैनात एसआई शिवानी ने मिश्रा ने मंचलों को लगातार सबक सिखा रही है। उन्होंने सिविल ड्रेस में कोचिंग और विभिन्न जगहों पर जाकर मंचलों को कड़ी पूछताछ कर हिदायत दी और छात्राओं को महिला सशक्तिकरण को लेकर 1090 जैसी सुरक्षा की जानकारी दी गई। तो उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय एचएनबी गढ़वाल विवि का छठा दीक्षांत समारोह आज संपन्न हो गया। दीक्षांत समारोह का उद्घाटन भारतीय तटरक्षक के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र सिंह ने किया। स्वामी मंथन प्रेक्षागृह चेरास में आयोजित हुए कार्यक्रम की शुरुआत कोस्ट गार्ड चीफ गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति एवं कुलाधिपति द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद गढ़वाल विवि के प्रोफेसर संकाय अध्यक्ष द्वारा कुल सचिव के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें ऑब्वियसली क्योंकि आपको करंट अफेयर्स और इनमें हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और ऑब्वियसली ये जो मेडल है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स टीचर्स ये मेडल मिला है। एंड पॉलिटिकल साइंस आज के टाइम में बहुत ही राइजिंग सब्जेक्ट है, इसकी इसको लेकर के आप लोग सिविल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी भी कोई भी जो भी आपके तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। नमस्कार।